सो हे गाइस, हाउ आर यू? होप करते सब ये अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट अवे मॉर्निंग के 6:30 बजे। सो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं 10 विकेट खेलने के लिए। फिलहाल आज है दिवाली, तो सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। सो आज बेसिकली हम लोग ने प्लान किया था, सबको छुट्टी थी तो मॉर्निंग में टर्फ खेलने का प्लान था, तो पहुँचते टर्फ पे और खेलते क्रिकेट। उसी पे निकल जाता है। ठीक है, आ चुके हैं वापस घर पे और यहाँ पे मम्मी हो चुकी है तैयार। फिलहाल होते हम भी तैयार और मिलते हैं आपको। हो चुके तैयार और फिलहाल आज का आउटफिट है नॉर्मल शर्ट और पैंट। सो हो चुके तैयार और अभी करेंगे चाय नाश्ता, क्योंकि सुबह उठ के तुरंत हम लोग टर्फ खेलने चले गए थे क्रिकेट खेलने। तो अभी चाय नाश्ता करेंगे और फिर माता जी का प्रसाद आरती सब होगा आज घर पे। आ चुका है हमारा दूध और यहाँ पे मम्मी पापा भी चाय पी रहे। सो पीते दूध। यहाँ पे हम मंदिर साफ कर लेते हैं क्योंकि अभी माता जी की पूजा होने वाली है। पूजा प्रसाद सब अब हम चढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारी अखंड जोत जल रही है, जो हम हर दिवाली पे हमारे नैवेद्य होते हैं, तो पाँच दिन की अखंड जोत होती है। तो करते मंदिर साफ। गाइस, फाइनली हो चुकी है मंदिर की साफ सफाई और यहाँ पे सब रेडी करके रखा है, मतलब अभी पूजा करने बैठेंगे। तो आप सिनेमैटिक्स चेक करिए, यहाँ पे मम्मी बना रही है प्रसाद लापसी। तो फिलहाल पापा प्रसाद को ठंडा कर रहे हैं। प्रसाद अलग कर रही है यहाँ पे। सो ये सब प्रसाद हम गौ माता को खिला देंगे और अभी मैं और डैडी नीचे जाएंगे गौ माता को प्रसाद खिलाने के लिए। सो गाइस, फाइनली ये लेके जा रहे हैं गौ माता को खिलाने के लिए। गाइस, फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पे गौशाला में।
यहाँ पे जितनी भी गाय है वो सब पीड़ा ग्रस्त, मतलब एक्सीडेंट में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है, मतलब कोई ना कोई पेन में है। तो यहाँ पे हम आए सबको प्रसाद देने के लिए। सो मिलते हैं आपको अभी अंदर। जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट उमर गाँव, यहाँ पे पीड़ाग्रस्त बहुत सारी गौ माता है। तो यहाँ पे लोग इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे 200 गौ माता है, जिसमें से इन्होंने बहुत सारी गौ माता को दवाई दी है, अच्छे से इनको रखा है। और आप यहाँ पे चेक कर लो, तो गाइज फाइनली आ चुके घर पे और फिलहाल अभी हम बैठ रहे खाना खाने के लिए। तो गाइज आज मम्मी ने बनाया है खाने में सीरा, सब्जी, पूरी, पापड़, भजिए, राइस, दाल। तो खाना खाते और मिलते हैं आपको। सो हेमलोज जी, गाइज फिलहाल बज रहे दोपहर के 3 और फिलहाल मैं जा रहा हूँ चेरी को फैक्ट्री पे छोड़ने के लिए, क्योंकि आज दिवाली है और हर दिवाली को हम लोग जाते हैं माँ लक्ष्मी माता मंदिर दानू। और फिलहाल मम्मी पापा भाई बिल्डिंग के नीचे वेट कर रहे हैं, तो उनको पिकअप करते और फिर निकलते माँ लक्ष्मी माता मंदिर के लिए। फाइनली निकल चुके हम लोग माँ लक्ष्मी माता मंदिर के लिए। सो फिलहाल ड्राइविंग पापा कर रहे हैं और आगे भाई बैठे, मैं और मम्मी पीछे बैठे। हे गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं माँ लक्ष्मी माता मंदिर। सो फिलहाल पार्किंग कर रहे हैं गाड़ी, पार्किंग करके चलते हैं अंदर। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं माँ लक्ष्मी माता के। सो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे और फिलहाल हम जा रहे हैं घर पे। हे गाइस फाइनली फ्यूल अप के लिए आ चुके हैं। सो फ्यूल अप करवाते गाड़ी में और फिर चलते घर पे। फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे और फिलहाल जा रहे फैक्ट्री पे चेरी को लेने के लिए। मम्मी यहाँ पे रंगोली कर रही है, तो आप रंगोली के सिनेमैटिक चेक करिए, मस्त कृष्णा भगवान की रंगोली कर रही है, पोर्ट्रेट रंगोली।
सी रंगोली बनी है। आप फाइनल रिजल्ट देखो, मस्त कृष्णा भगवान की पोर्ट्रेट रंगोली बनाई है मम्मी ने, इतना डिटेल में वर्क किया है। अगर आपको ये रंगोली अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना और बताना कि आपको ये रंगोली कैसे लगी। सो हे गाइस, यहाँ पे ये तीनों रंगोली मम्मी ने बनाई है। सो कैसी लगी रंगोली प्लीज कमेंट करना, और आपको ये सब रंगोली के शॉर्ट्स में वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे। सो हे गाइस, फाइनली चेंज कर लिया है और फिलहाल हम लोग जा रहे टर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। आज सुबह भी 6 बजे हम लोग चले गए थे सुबह सुबह टर्फ खेलने, और फिलहाल वापस प्लान हो चुका है टर्फ खेलने का। तो हम लोग टर्फ खेलेंगे और रात को 12-1 बजे तक घर पे वापस आएंगे। सो हे गाइस, फाइनली पहुंच चुके घर पे और अभी बज रहे रात के 1:20, और फिलहाल मैं अभी जस्ट सोसाइटी पहुंचा था, और यहाँ पे मैंने नीचे देखा इतना सारा कचरा किया है दिवाली के जो बॉम्ब फोड़े थे उसका इतना सारा कचरा किया है पूरे रोड पे, बिल्डिंग पे, मतलब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ बोलते ना कचरा कर रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब दिवाली है तो बॉम्ब मत फोड़ो, क्रैकल्स मत फोड़ो, फोड़ो बट वो नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, आप देख रहे हो कभी भी बारिश आ रही है, कुछ भी हो रही है, ये सब इसी के कारण हो रहा है। इतना सारा अभी भी रात के 2 बज रहे और इतने सारे फटाके फूट रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब खाली इतना अपील करना चाहता हूँ कि हमारी वजह से यहाँ पे इतने सारे दूसरे जैसे एनिमल्स है, डॉग्स है, दूसरे एनिमल्स है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, अपना एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है। और पॉसिबल हो तब तक छोटे फुलझड़ी है, छोटे वो चक्री आती है, फुवारे आते हैं, वो सब फोड़ो। प्लीज़ अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे किसी एक अच्छे से वीडियो में। टिल देन आपके एंड आपके परिवार का ध्यान रखना। आप सभी को, आपके परिवार को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी मिलेंगे किसी एक अच्छे से व्लॉग में। टिल देन बाय 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 बाय।